हाँ भाई क्या हाल चाल है। तो भाई आज मेरे पास से मैक्रोनी थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा चलो यार ये जो अपने चूज़ों को डाल के देखते हैं पता खाते हैं या वो नहीं खाते। चलाएँ मैंने कहा जो इसकी वीडियो बनाता हूँ और एक दिखाता हूँ आप लोगों को कि मेरे चूज़े क्या क्या खाते हैं। फिर मैं नहीं दूँगा क्योंकि जो बाहर जो होता है गिरता है उसका खा लेते हैं, वहाँ से जो है ना बड़े उसको दूँगा। खा रहे हैं काम करते हैं, ये भी खा लें क्योंकि ये नेट निकाल दूंगा मैं। तो भाई ये भी खा रहे हैं। मेरे पास जो घर में चीज़ें होती हैं ना, जैसे कुछ बच जाता है खाने में या रोटी वगैरह से, जो चावल हो गए इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो एक खा सकें, तो मैं वो इनको के लिए करता हूँ, रखता हूँ कि यार ये जो एक खा लें। और घरेलू मतलब जो चीज़ें होती हैं घर में, किचन का जो वेस्ट होता है, सब्ज़ी के पत्ते वगैरह उनके छिलके, वो भी मैं इनको बारीक बारीक चॉप करके खिलाता हूँ। धनिया वगैरह इस तरह की चीज़ें पर, ये अपना पालक हो गया इस तरह की चीज़ें। अब ये मैक्रोनी थी तो मैंने कहा यार ये खा लेंगे, इनको डाल देता हूँ तो एक वीडियो भी हो जाएगी। तो ये आप भी अपने बर्ड को कोशिश क्या करो कि यार इस तरह की आप चीज़ें जो है अपने बर्ड को खिलाओ। इससे होगा क्या, एक तो आपके जो फीड के जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी जो है मतलब कम होंगे बहुत ज़्यादा, और अगर आप इनको घर ही इसी नई चीज़ों पे इसी तरह से हरी भरी जो है सब्जियां वगैरह इस चीज़ों पे आप रखते हो तो ये आपके जो है एक्सपेंसेस बहुत कम होने सब्जियों के। और अच्छा है कि इस तरह की चीज़ें इनकी हेल्थ के लिए भी मतलब अच्छा है बर्ड के लिए कि इस तरह की चीज़ें खाएं। तो मेरा तो यही होता है कि यार कभी कुछ दे दिया कभी कुछ दे दिया, चेंज कर करके इनके लिए जो मतलब जो भी होता है ना मतलब जो घर में होता है बचा हुआ कुछ और जो वेस्ट भी होता है, तो वो भी मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं इनको खिला दूँ बारीक चॉप करके इस तरह से कि खा लें। तो ये एक अच्छा एक इनके लिए है प्लस पॉइंट। और दूसरा यही भी पॉइंट है कि यार ये आपकी जेब पे भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।